फाइनली अब हम लोग 5 साल फुल आप ही मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, कुछ आवाज नहीं जा रही होगी मेरी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय अंदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं आई हूँ हैदराबाद, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं और आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा या तो इंस्टा पे देखा होगा, जिसने भी देखा हो, शायद मैंने व्लॉग तो नहीं बनाया है इस चीज़ का। मैं आई हूँ हैदराबाद और यहाँ पर थी मेरी बचपन की, मतलब बचपन की जो दोस्त है वो मॉम बनने वाली थी, और एक मेरी फ्रेंड बहुत 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 अच्छी दोस्त, उसकी शादी थी, उसका तो मैंने व्लॉग भी अपलोड किया था। तो उसकी शादी में आई थी और मतलब बेबी होने वाला था मेरी फ्रेंड का, तो मैं उसके लिए और 2-3 शादियां और थी फ्रेंड्स की, मतलब वो मैं इस वजह से आई थी क्योंकि काफ़ी इस सीज़न में काफ़ी सारी मेरी फ्रेंड्स की शादियां थी। सो मैंने सोचा क्यों ना सबको एक साथ अटेंड कर लिया जाए, तो मैं हैदराबाद आई हुई थी। तो इसी सीज़न में मैं अपनी फ्रेंड जो मॉम टू बी थी, वो माशाल्लाह उसके काका आया है, वो मम्मा बन गई है, बेटा हुआ है, तो मैं उसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं अपनी तरफ से गिफ्ट जो है वो लेके जाने वाली हूँ। अभी हो रही है रात और टाइम हो रहा है 12:30, 12:30 बजे मैं अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी कल मैं फुल दिखाऊंगी कि हम लोग वहाँ गए और हमने एंजॉय किया, विश करने, बेसिकली हम विश करने जा रहे हैं उसको, हॉस्टल हम नहीं जा सके तो हम लोग फ्रेंड्स जो हैं सब ग्रुप गैंग बनाकर अपनी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, उसे विश करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे गैंग की हमारे ग्रुप की सबसे पहली मॉम बनी है वो, सबसे पहले उसकी शादी हुई है। तो माशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ मैं उसके लिए क्या क्या लेके जा रही हूँ। सो गाइज, एक ये वाला ड्रेस लेके जा रही हूँ, इसका ये ट्राउज़र है और ये फ्रंट से है, ये जो है ये गर्मियों का स्टफ़ है क्योंकि यहाँ जो है हैदराबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी है। ये बैलून्स वगैरह मैं सुबह ही भुलाऊँगी वरना ये सब ख़राब हो जाएंगे। और ये रॉम्पर है, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने, ये अरीबा मतलब मेरी फ्रेंड अरीबा है वो खा ले या उसका बेबी खा ले, अब देखें। वैसे उसके जो बेबी है वो भी खा सकता है क्योंकि हम अपने बासिल को भी खिलाते हैं कुछ कुछ चॉकलेट वगैरह। एंड एक ये वाला ड्रेस लिया है, इसका जो ट्राउज़र है वो ऐसा है, पैंट बनी हुई है। एक ये ड्रेस लिया है और एक ये वाला ड्रेस लिया है, बाकी एक फीडर लिया है ये वाला शील का, एक ये वाला खिलौना जो है वो लिया है, मैं इसको चला के दिखाती हूँ कैसे चलता है। ये देखें, ये इस तरह से कुछ चलता है। एक ये लिया है, एक ये वाला फीडर है, ये तो डेकोरेशन वगैरह, ये भी बैलून है, ये भी बैलून है, ये मैं सुबह इन्हें फुलाऊंगी ताकि ये जो है फुस ना हो। समझ रहे हो आप रात में अगर कर लिया तो ये सब फुस हो जाएगा। बाकी बेसिकली मैं आप लोग को दिखाना चाहती थी कि ये सब अपने फ्रेंड के लिए लेके जा रही हूँ, मे बी सुबह में केक भी ले लूँ। और एक ये बेबी कैरी मेरे भांजे बासिल के लिए, आप ही के बेटे के लिए, ये मुझे प्यार गिफ्ट आया था, बहुत ही प्यारा है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा है और कैरी करने में भी बहुत इजी है, बहुत अच्छा रहा, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, प्यार में आई थी मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपने व्लॉग में भी दिखाऊं। और मैंने इंस्टा पे पेज मेंशन किया, अगर आप लोग को इस तरह की चीज़ें और भी ऑर्डर करनी है, ये ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, बहुत अच्छी चीज़ है। रात हो रही थी और रात में आप ही बना के लाई हैं फ्राइज़ मज़े की, और बहुत ज़्यादा मैं भूख भी लग रही थी तो आप ही ने फ्राइज़ बनाई हैं, पापा मम्मा तो बाहर गए थे। और मेरा वासुदेव, ये मेरा वासुदेव है, ये देखें, ये वैसे रोता नहीं है, ये अभी रो के दिखा रहा है, वैसे रोता नहीं है ये इतना ज़्यादा। वासु ए, ये चुप रहता है, ये अभी सिर्फ इसलिए रो रहा है शायद इसे भूख भूख लग रही है, और इसकी मम्मा बाहर चिप्स बना रही थी अपनी बहन के लिए। जब से हम हैदराबाद आए मम्मा अब तैयार हुई हैं और मुझे लग रहा है ये मेरी मम्मा है, वरना तो सिर्फ और सिर्फ हम बीमार थे, मम्मा भी बीमार थी, हम भी बीमार थे और बस। लेकिन मम्मा आइस बंद करें, मम्मा ही, मम्मा का मेकअप मैंने किया है, ये हैदराबाद वाला मेकअप है, थोड़ा लाइट सोबर सा स्वीट सा। यहाँ पर जो है फेब्रवरी में क्या डेट हो गई, आज आई थिंक 11 फेब, और हम 2 दिन से पंखा चला रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो यहाँ पे तो पंखों का सीजन आ गया है 8 फेब से ही, और
यहाँ पे इतनी अजीब सी गर्मी हो रही है कि पंखों की भी हवा नहीं लग रही, पंखा बंद करके भी नॉर्मल मौसम है, और चादर ओढ़ रहे हैं हम, कभी ऊपर से शॉल भी डाल लेते हैं। कुछ अजीब सा मौसम चल रहा है वैसे यहाँ का ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। दोपहर में शदीद किस्म की गर्मी है फिर भी, लेकिन हैदराबाद में ये कि हवाएं चल जाती हैं तो हवाओं से सुकून हो जाता है। फाइनली अब हम लोग 5:30 हो गए हैं और इस टाइम पहुंचे हैं। बासु को भी लेके आई हूँ, आप ही भी आई हैं। आप अपनी फ्रेंड के घर में दिखाती हूँ उसका बेबी। ये रहा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा सा काका है। गर्मी की वजह से बहुत प्यारा काका है, और अभी नाम जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है इसका, जबान चढ़ा रहा है। पापा अपने दोनों में ही मिल रहा है। बहुत प्यारा काका। और ये मैंने बैलून्स फुलाने की नाकाम कोशिश की, बड़े बड़े स्ट्रॉ डाले, वो फूल ही नहीं रहा। यहाँ पे तो देखिए ना माशाल्लाह, बाजू बड़ा खुश है बाहर आके, दुनिया देख ला मेरा काका। ये सोच रहा बाजू से भी कोई छोटा आ गया। बाजू मम्मा से बुला भी ले आएंगी काके को, मैंने अपनी गोदी में ले लिया, इतना प्यारा और इतना लाइट, और रोने लगा। जादे। अच्छा मोहम्मद से ही नाम रखोगी है ना, अब तो सब मोहम्मद से ही रखते हैं ना। हाँ, मतलब जब तक नाम नहीं हो तो मोहम्मद ही कह लेते, मुन्ना मुन्नी से बेहतर है। मैं कहती थी इसको बेब बेब नाम मीसम, तो वो उसके मायने थी जैसे क्या लेना। अभी अभी बताते, रुक जा जरा, पहले आप भी जरा ले। ये देखो, बल्कि मैंने कल ही व्लॉग भी अपलोड किया ना उसमें मीसम वाला। पता नहीं कहाँ से कहाँ से हो गई एकदम से, तो वहां शादी हुई है। आओ माकुल। Later that same evening. अब हम लोग जल्दी फ्री हो गए थे एक बार घर से, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग अपनी जो मार्केट है, छोटी वाली मार्केट 8 नंबर वाली, उधर का विजिट कर लें। उस मांटी के घर आए, वो कॉर्नर पे आए थे, और तो फिर हमने सोचा चलो यहाँ से थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर लें, या कुछ पसंद आ जाएगा तो अपने बासू के लिए ले लेंगे, बासू के वैसे भी कपड़े लेने हैं। अब हम बासिल के लिए यहाँ से भी थोड़ी सी शॉपिंग करने लगे। एक्चुअली हम आए ही इसकी शॉपिंग करने के लिए हैं ज़्यादातर, यहाँ पे बेबी गर्ल के ज़्यादा हैं क्लोथ्स, और इसको गर्मियों के कपड़े हैं ही नहीं हमारे बासिल के पास, तो हमने सोचा कि कोई ना कोई बासिल के लिए गर्मियों के भी क्लोथ्स लिए जाएँ। चले भाई, हम ब्रश देखने जा रहे हैं अंदर। आंटी के पार्लर में आए हम लोग, तो आंटी ने हमारे लिए ये पिज्ज़ा मंगवाया है, और एक यहाँ पे पिज्ज़ा मंगवाया, थोड़ा सा हमने खा लिया है, और ये बहुत देर से वेट भी कर रही थी, हम लोग मार्केट चले गए थे, सो हम लोग खाएंगे। हमने शॉपिंग करी है, तो ये एक ये वाला ड्रेस और एक ये वाला, ये जो है गर्मियों के स्टफ पे है, ये मैं हमने लिए ज़ियान के लिए, और ये लिए हैं अलमीर के लिए, एक रेड और एक ग्रीन। और मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कि बहुत प्यारे हैं और बहुत कंफर्टेबल हैं गर्मियों के हिसाब से, जैसे हैदराबाद में टूट टूट के गर्मी पड़ रही है ना अभी से फैब में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये देखें, ये इस तरह से है, ये इज्जू का है, और एक ये वाला है, ये भी इज्जू का है, एक ये के इस तरह से, ये अलमीर का है, और एक ये वाला भी अलमीर का है। बाकी हाइसम का जो था वो थोड़ा लेट हो गया था हमें मार्केट में, हमें आंटी के घर भी जाना था, पार्लर पे भी जाना था, सो इसलिए हमने नहीं लिया है। अब उसका नेक्स्ट टाइम मार्केट जाएंगे तो लेना है हाइसम के भी। मोहम्मद बासिल की हमने सारे जो थे सर्दियों के कपड़े लिए हुए थे, तो अब जो गर्मियों की हमने शॉपिंग की है वो ये सारे ड्रेसेस हैं। मैं खोल के दिखाती हूँ, इतने प्यारे प्यारे से, इतने कम्फर्टेबल और बहुत ही क्यूट ड्रेसेस हैं, मैं इनको आपको खोल के दिखाती हूँ, और साथ में मेरी हालतें भी देख लें। मेरी हालतें कुछ ऐसी हो गई हैं कि बस लायक है क्या, क्योंकि यहाँ पर ना वाकई इतनी कोई गर्मी इतनी जल्दी हो गई है, समझ नहीं आ रहा किस बात की इतनी गर्मी हुई। बाजार में फुल ऑफ गर्मी 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 थी, और लेकिन ऐसा भी नहीं है, फैन भी ऑफ करके गुजारा है और फैन चला के तो मजा आ रहा है। पता नहीं क्या सीजन चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यह है कि यहाँ पर फैसलाबाद में मेरे ख्याल से अभी इतनी ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर जो है गर्मी आ गई है। और हम लोग जो कपड़े वपड़े अपने पहनने के लिए भी लेके आए थे वो भी सारे हम लोग जो लाए थे वो थोड़ा मोटा स्टफ़ था, यहाँ पे हमें थोड़ा लाइट स्टफ़ परचेज़ करने पड़ेंगे। वैसे मैं गर्मियों के भी रख के लाई थी क्योंकि हमारा प्रोग्राम यही था।
चले मैं बाकी आपको सारी जो बासिल के ड्रेसेस हैं वो खोल के दिखाती हूँ, कितने प्यारे प्यार से, इतने क्यूट है, मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाऊंगी कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस है। एक ये वाला ड्रेस येलो कलर का, पीछे से बासिल के ही रोने की आवाज आ रही है। और नो गॉड प्लीज नो 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 नो, मैं ड्रेसेस दिखा रही हूँ। ये इतना प्यारा सा क्यूट सा जो है ये ड्रेस लिया है बासिल का, एक ये एंड एक ये वाला है। और फुल आप ही मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, कुछ आवाज नहीं जा रही होगी मेरी, आप ही चले भाई। अब किसी तरह से बासिल को जो है, किसी तरह से हमने बासिल को जो चुप कराया है ताकि इसके ड्रेसेस हम आपको दिखा सकें। और जिसने पहना हुआ ना, ये भी मेरा फेवरेट ड्रेस है, ये भी मैं बहुत दिल से इसके लिए लेके आई थी। ये देखें, ये वाला जो रॉम्पर है ना, बहुत 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 ज्यादा मुझे पसंद आया। जैसे वो वाला ड्रेस पसंद आया ना, ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। और ये इसमें बासिल लगेगा भी माशाल्लाह बहुत प्यारा। एक ये वाला ड्रेस लिया है, ये सब कुछ लाइट स्टफ में है ताकि यहाँ पर बच्चे को गर्मी ना लगे। और यहाँ पर हमारी लाइट चली गई है बिकॉज हम पाकिस्तान में रहते हैं। एक ये वाला ड्रेस है, ये देखें, कलर सारे डिफरेंट डिफरेंट लिए ताकि प्यारे प्यारे से लगे और यूनिक, मतलब बच्चा न्यू न्यू लगे हमें तरह। एक ये वाला ड्रेस लिया है टैडी वाला, और एक ये लिया है, इसे क्या कहते हैं अभी, येलो कलर है, नहीं नहीं इस कार्टून आते थे ना इसके, पता नहीं क्या कहते थे इसे, रैबिट है वो, बनी, हाँ ये कुछ बनी है, बनी। एक ये वाला ड्रेस लिया है, और अब सोफा भर गया था तो एक ये वाला ही फिर बासिल रोना शुरू हो गया। एक ये वाला ड्रेस है, देखें कितने प्यारे से कलर का है। और एक ये वाला, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, और मैं तो बासिल इसके अंदर बहुत प्यारा लगने वाला है। और एक ये वाला ड्रेस है, कितना प्यारा है, बहुत नाइस है, सारे ड्रेसेस बहुत प्यारे लगे हैं। और अभी हम और शॉपिंग करने जाएंगे तो और ड्रेसेस भी लेंगे। अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं लिया, ना हमने लिया, ना मम्मा, इसकी मम्मा जो है बासिल की, उसने, उन्होंने लिया ना मम्मा, मेरी मम्मा ने लिया, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की शॉपिंग हुई है हमारी। और भी शॉपिंग अभी तो करेंगे, अभी तो शुरुआत है, हमने अभी और भी शॉपिंग करनी है, तो शॉपिंग अच्छी अच्छी होगी। हम अपने लिए भी कुछ कुछ ले लेंगे, क्योंकि हम लोग अपनी शॉपिंग एक और बाजार है यहाँ पर, वहाँ से करते हैं, तो वहाँ से करेंगे, वरना मॉल भी अभी जाएंगे, यहाँ पे भी एक दो मॉल और भी खुल गए हैं, तो सोच रहे हैं वहाँ पे भी विजिट करके आएँ, क्या पता वहाँ पे भी अच्छी कलेक्शन मिल जाए हमें। बाकी वहाँ से भी काके के कपड़े लेने हैं, ये सारी कलेक्शन तो मैंने आपको दिखा दिए। इन नानू से खिदमतें करवा रहा है हमारा बासिल, पाँव दबवा रहा है अपनी मम्मा की तरह। यहाँ से छोड़ 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 बच्चे के जूते भी मिलने चाहिए, ये भी बात से बड़ा हो जाएगा तो देखेगा फिर। तूने इसका इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं बनाया ना? बना दूंगी। बन रहा है सूजी का हलवा, पापा की फरमाइश पे और मेरी फरमाइश पे मम्मा फ्रेश सूजी का हलवा हमें बना के दे रही है, और बहुत मजे का। ये मेरा सूजी का मजेदार हलवा रेडी होके आ गया है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, गीला गीला मम्मा के हाथ का हलवा बहुत मजे का। चले हम हमसे खाते हैं। होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो गिव मी अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरी सारी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।